हेलो गाइस, तो मैं हम लोग लेके आ गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो भैया, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कि भाई ये गेम प्ले भी बहुत तड़कता फड़कता धड़कता हुआ गेम है और काफ़ी रश गेम प्ले और काफ़ी फाइट्स है इसके अंदर। आई होप आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लगे तो भैया आप लोगों को चार काम करना है। पहला लाइक करना, दूसरा कमेंट करना, तीसरा शेयर करना और चौथा सब्सक्राइब करना। भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए नए हो, अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारा भाई इसी तरीके के ओपी ओपी गेम्स हमेशा लाते रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आए और आप लोग वीडियो में एंड तक के बने रहना। तो भैया हम लोग आते हैं जॉर्जो, और मैं ये गेम प्ले खेल रहा हूँ मेरे दो केडी के नेक्सस के साथ। सॉरी, एक केडी का नेक्सस, मैंने एक केडी बढ़ा दिया था। और यार इस बार है ना जॉर्जो में भाई पबजी वालों ने ना काफ़ी बोलते ना काफ़ी हम लोगों का अच्छा काटा, क्योंकि यार यहाँ गन के नाम पे सिर्फ शॉर्ट गन मिल रही थे, खाली घंटा कुछ नहीं। मतलब यार ये जैसे जैसे सीज़न एंड हो रहा है भाई, लूट इतनी कम होते जा रही है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है यार। मतलब हम लोग यार पूरा कंटेनर पूरा आधा से ज़्यादा जॉर्जो मतलब ढूंढ डाले, लेकिन यार हम लोगों को गन के नाम पर एकदम घंटा मिल रहा है भाई। हमारा ही नहीं, मतलब और भी लोगों का कटा है, जैसे कि ये बंदे का कटा है यार। इसने हम पे मतलब बोलते हैं ना VSS और पिस्तल लेके यार मतलब हम पे रश कर दिया भाई। ये मेरे मेरे ये एक केडी के बंदे को यार दौड़ा रहा है, पेन से वो मार रहा है, वो पिस्तल चला रहा है, मैं शॉर्ट गन चला रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर में हो क्या रहा है। तो फाइनली हम लोग इस बंदे को ख़त्म कर देते। और यहाँ आगे लास्ट में कंटेनर पे जहाँ शेड है, तीन शेड है, वहाँ फाइट होते रहती है। बट यार मुझे आप लोग एक चीज़ बताना, मुझे ये नहीं समझ में आया इस बंदे की मूवमेंट यार। वो बंदा इतनी फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकता है, आप लोग भी मुझे देख के बताना। कि मतलब मुझे ही सिर्फ ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है। भाई इस बंदे को जब मैं फायर कर रहा हूँ, ये रिवर्स गियर इतनी फट से डाल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो कुछ देर के लिए लगा कि मेरा पिंग का इशू चल रहा है, बट यार मेरा पिंग बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बंदा कैसे भाई। तो इतने में यार ये मेरे एक केडी के बंदे को भर देता है। इसके अभी क्या बोलते कि 31st के नशे अभी उतरे नहीं है, मैं उसको कह रहा हूँ सामने बंदे है, और इसके दूसरे बंदे ने तो भाई मेरी फाड़ के चार कर दिया था उसने यार। मुझे एक HP से भी कम ला के छोड़ दिया था, मेरे कुछ समझ में नहीं है। मैं तो बोला मैं भी गया भाई, लेकिन हम लोगों की नसीब यहाँ अच्छी रहती है। तो यार इसको मेरे भी यार लेकिन ये नहीं समझ में आया, जब मैं उस पर फायर ले रहा था यार, वो पीछे इतनी तेज़ी से हो रहा था, इतना कोई तेज़ी से होता नहीं है भाई, मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। चलो कोई नहीं, वो बंदा भी ख़त्म हो गया। तो मेरा ये एक KD का नेक्सस बोलता है सामने बंदे है शेड में। तो भैया हमको चाहिए रहती है किल, क्योंकि हमको बनाना है कंटेंट। बिना किल के भाई कंटेंट बनता कहाँ है भाई, कोई नहीं देखता भाई। अगर कम किल होता है तो कोई भी गेम प्ले नहीं देखता यार। तो मैं इस पर पुश कर देता हूँ, तो भाई मुझे ये एक बंदा मिल जाता है तो इसको फट से मैं नॉक करता हूँ। और मैं पूरा राइट से घूम के मतलब पहले नेट करता हूँ, नेट तो आपको भी पता है यार मेरा नेट कभी कनेक्ट होता नहीं। तो पूरा राइट से यहाँ मैं रोटेट मारने की सोचता हूँ, क्योंकि यार मुझे समझ में आया था कि एक बंदा नॉक है। बट यार यहाँ अब हमें क्या पता था हमारा थर्ड पार्टी हो रहा है यार। मतलब बोलते ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग खुद देख लो यार। मतलब इसको ख़त्म किया, फिर इसको जैसी मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे एक सामने से बंदा भागता हुआ दिखता है। पता नहीं यार उसकी मतलब क्या छूट रहा था, उसका बस छूट रहा था या ट्रेन छूट रहा था। और उस पर मैंने जैसे ही फायर लिया, वो बंदा एकदम झट से वहीं का वहीं रुक गया। तो उसको मैं जैसे ही ख़त्म करने जाता हूँ, अरे भैया ऐसा ना करो यार, बोल तो दो यार। सामने से M24 का मुझ पर शॉट्स आता है, बट मेरी नसीब यहाँ अच्छी होती है कि ये नूबड़े से मैं बच जाता हूँ। और ये नूबड़ा मुझसे भी बहुत अच्छी उसकी नसीब होती है कि बच जाता है वो, लेकिन उसकी नसीब ज़्यादा देर तक के अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि तुम्हारा भाई करने वाला है उस पर पुश नहीं करने वाला। हालांकि हम लोगों ने डिसाइड किए थे कि भाई जोन 1700 किलोमीटर दूर है, चलो निकलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो मुझे यहाँ एक बॉट अंकल दिखते हैं, तो मैं उसको फटक से नॉक कर मतलब ख़त्म ही कर देता हूँ। तो यहाँ सामने यार पहाड़ के वो साइड फाइट चलते रहती है, तो तुम्हारे भाई को तो यार किल चाहिए। किल के चक्कर में कहीं भी घुस जाता है, चाहे जोन हो या जोन के बाहर हो। तो भाई ये बंदे का जो कटा है ना यार, मुझे बहुत बुरा लगा इसके लिए यार, बहुत बुरा लगा।
भाई ये वही बंदा था जो यहाँ से भागते भागते वो साइड गया था, बट इसकी नसीब ज़्यादा देर तक के अच्छी नहीं थी। इस नुबड़े को बेचारे को यार मतलब बोलते ना जोन में ही सस्ते में निपटा दिया। मैं बोला भैया तेरे टीममेट सब जा चुके तो तू भी चले जा। तो भाई यार यहाँ आप लोग अगर मेरे गेम प्ले में अभी तक के बने हो, अगर लाइक और कमेंट नहीं किया हो तो जल्दी से कर देना, क्योंकि यार यहाँ से हम लोगों का गेम प्ले बहुत ही ओपी होने वाला है। क्योंकि सारा का सारा सर्वर जो बचा हुआ है सब यहीं है यार, सब आजू बाजू में, कोई घर के ऊपर है, कोई घर के नीचे, कोई घर के साइड में, सब यहीं सोए भाई। यहाँ आते ही हम लोगों का मोबाइल एकदम लैग होने लगा था, तो इतना तो समझ में आ गया था कि भैया बंदे तो बहुत है इधर। तो इतने में मुझे ये पिक्चर दिखता है तो ये देख के मेरी फट सी जाती है कि भैया खून खून हर जगह, खून ही खून यहाँ मैं देखते ही रहता हूँ भैया उतने में ही। अरे रे 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 क्या ही भरा है इस नुबड़े ने यार। तो तुम्हारा भाई बदला भी ले लेता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार सामने से तुझ पे शॉट्स आ रहा, तू अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उस नुबड़े को इतना भर दिया था, मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो नॉक हो सकता है, तो मैंने फट से उसको नॉक करने के चक्कर में मैंने शॉट्स खाए। मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, बट मैं यहाँ मतलब बच ही जाता हूँ, मतलब नॉक होने से बच जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ जल्दी जल्दी से रिवाइव लेके भैया जब हम देखते हैं ऊपर, तो यहाँ तो यार अलग ही नशे चल रहे, मतलब नशे ये चल रहे कि उसका बंदा उसके सामने पड़ा हुआ है। अरे भाई उसको रिवाइव दे दे यार, वो बेचारा मतलब वो उसको गाली दे रहा होगा अपने टीममेट को यार। और इस बंदे की नसीब बहुत अच्छी रहती है यार, एक शॉट अगर मेरा और कनेक्ट हो जाता तो इसका भी रिंगा रिंगा रोजेज हो जाता, मतलब ये भी लुढ़क के वहीं क्रिएटिव रेट सी बन गई होती इनकी भी यार, लॉबी में जाके मजे कर रहे होते। तो ये यहाँ स्मोक उस्मोक कर देता है, तो ये बंदा मुझे थोड़ी देर तक के नहीं दिखता है, ये नुबड़ा पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मैं यहाँ बंदे बंदे ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि भैया बंदे कहाँ हैं। हालांकि मुझे बंदे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यार चारों तरफ बंदे ही बंदे, तो ये मुझे फिर दिखता है। तो यार ये मजाक नहीं है, बंदे की बहुत अच्छी नसीब थी यार, क्योंकि यार इतने इतने अच्छे अच्छे स्प्रे कर रहा हूँ फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा। और यहाँ भाई अरे रे 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 मेरे ये 2KD के वाईफाई वालों ने यार मेरा क्या ही काटा है भाई। अरे भाई ऐसा किसी का ना काटे यार, एकदम रुला दिया था यार, क्योंकि यार भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा पिंग फट से एकदम 800-900 हो गया, और मैं कब नॉक हो गया मुझे खुद को नहीं पता भैया। अरे यार ये 31st का नशा भाई मेरे, ये है ना वाईफाई वाले को भी अभी तक के चढ़ा ही हुआ है यार। भाई अपना वाईफाई सही कर ले यार, हम लोगों का गेम मत खराब कर, यहाँ कंटेंट वंटेंट ऐसे ही नहीं बनते यार, तू और हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहा है यार। तो यहाँ मैं फिर बच जाता हूँ, तो मैं अपनी GND लेके यहाँ ऊपर आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया आप ढूंढते हैं बंदे, और मेरे नेक्सस जो 2KD का बंदा है जो अभी भी 31st के नशे में झूम रहा है, झूल रहा है अभी तक के, उसका मतलब नशा उतरा नहीं है, वो AWM लेके मतलब घूमता रहता है। बट यार उसमें इस बार उसने ना बोलते हैं ना AWM का उतना कुछ फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ उसे M24 वाले ने नॉक कर दिया। मैं यहाँ थोड़ा उसको कवर फायर देता हूँ तो वो बच जाता है, तो इसको मैं फिर आशीर्वाद देता हूँ। मैं बोलता भैया उठ और कुछ करे यार, कुछ मार भाई मार, क्योंकि यार अब मतलब बोलते ना एक अकेला क्या करेगा। तो यहाँ भाई मैंने थोड़ा कुछ अलग ही करने की सोचा, क्योंकि यार यहाँ औकात के बाहर एक स्प्रे मैंने कर दिया जो काफ़ी बकवास सा था यार। मुझे मालूम पड़ गया था कि कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैंने ऐसी फ्लो फ्लो में मार दिया। तो कोई नहीं यार, यहाँ मैं बंदे बंदे ढूंढते रहता। और भाई ये देखो, ये फिर मेरे बंदे पे ही शॉट्स लेते रहता है, फिर उसको मैं कवर फायर देके बचा लेता हूँ, लेकिन भैया वो हमसे ना बच पाया। अरे भाई मुझे भी बता यार तू कौन से नशे करके आया, तेरा बंदा नॉक हो गया तू नेड कर रहा है भाई, तू उसको रिवाइव दे, कवर में जा, कुछ अच्छा कर यार। मतलब भाई ये बंदे जब से नया साल आया ना भाई, ये नए साल का नशा सबसे अभी तक उतरा नहीं है भाई। और यहाँ भाई मेरा यहाँ एक स्कैम होते होते रह गया भाई, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ मुझे फुटस्टेप आती मेरी फटके चार हो जाती है। तो मैं अपने बंदे को बोलता हूँ भाई जल्दी आ, यहाँ बंदा है। तो उसको बोलता हूँ भाई तू आगे चल, क्योंकि हमको मरने का शौक नहीं है, तो उसको ऊपर भेज देता हूँ। तो ये बंदे के लिए बड़ा ख़राब लगा, इसका स्कैम हो गया, पता नहीं है अकेला कहाँ नुबड़ा घूम रहा था अपनी स्क्वाड को छोड़ के। भाई अकेला मत निकल यार, मालूम है स्क्वाड गेम प्ले। तो यहाँ बेचारा वो साफ हो जाता, और भाई बोलते ना आज हम लोगों का जोन ने क्या ही काटा है, रे 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 मतलब बोलते ना आज हम लोगों की नसीब
मतलब जोन भी नहीं दे रही थी साथ, और बंदे तो बोलो ही मत भैया, वो तो एकदम आसमान फाड़ के निकल रहे थे। तो यहाँ हम लोगों पे क्लोज इन करने की इन लोग कोशिश कर रहे थे, बट मैं फ्री फायर दिए जा रहा हूँ, लोगों को दूर रख रहा हूँ कि भाई कि हम पे रश ना हो जाए। तो मैं यहाँ काफ़ी कोशिश करता हूँ, और हालांकि मैं कामयाब भी हो जाता हूँ सबको दूर अपने से रखने की। तो ये भी बंदा मतलब बोलते हैं ना भैया रोटेट मार रहा था, लेकिन इनका रोटेशन वहीं मैं रोक देता हूँ। तो यहाँ हम लोगों का कट जाता है जोन, मतलब जोन ने हम लोगों का काट दिया है। अब इतना हम लोगों को मालूम था कि भाई अगर हम लोग भाग के जाएंगे तो पक्का हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं यहाँ निकालता हूँ गाड़ी, और भैया जैसी गाड़ी निकालता हूँ, अरे रे 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 क्या ही स्प्रे कर रहे भैया, अरे ज़रा रुक जा भाई, M24 मालूम है भाई तेरे पास बहुत अच्छी अच्छी गन है, लेकिन थोड़ा हम लोगों को जाने दे फिर फाइट ले यार। तो यहाँ हम लोग बचते बचाते कैसे भी आ जाते। तो यहाँ मैं TPP लेते रहता हूँ, बंदे बंदे ढूंढते रहता हूँ। तो यहाँ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं यार, बंदरों की तरह सब उछल रहे। तो यहाँ तुम्हारे भाई ने बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया M4 का, क्योंकि यार M4 चलाने में वाकई में बहुत मज़ा आती है, लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही अच्छा गन है। तो इसको मैं ऑलरेडी पहले डैमेज दे चुका था, तो मुझे मालूम पड़ गया था कि भैया इसकी HP बहुत कम है, तो इसको एक आध फटके पड़ भी गए तो ये नॉक हो जाएगा। तो यार मैं यहाँ थोड़ा क्लोज इन करने की सोचते रहता हूँ कि भैया जोन में भी जाना है हमको और बंदों को भी मारना है, तो मैं क्लोज इन करता रहता हूँ। तो एक तो नॉक हो जाता है मुझे इतना पता था, तो उसका और भी बंदों को मैं ढूंढते रहता हूँ। तो यहाँ सामने से आते है, मतलब फायर आते ही रहते, दिखते ही रहते, तो ये नुबड़ा मुझे दिखता है। लेकिन यार ये बच जाता है, अभी क्या है मैं बोलूँ, इतना भी मतलब खास नहीं है फिर भी अच्छा है, चल जाता है भाई स्प्रे मेरा। तो भाई ये जो मैं जिसको जो भी बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता, बट यार इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ फ़ायदा उठाया है, क्योंकि इसी की वजह से हम लोगों का जो भी गेम प्ले अच्छा बना इसी की वजह से बना है भाई। इसको आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों के पास भी है तो, क्योंकि यार ये कवर के बहुत अच्छा काम में आता है, क्योंकि हम लोग पूरा ओपन में है, बट यही एक हम लोगों का सहारा है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका हम लोग बहुत अच्छा यहाँ यूज़ करते हैं यार, अपना कवर बना बना के बंदों को मारते हैं भाई। अरे रे रे क्या ही मारा है भाई, ये गेम प्ले में बहुत मज़ा आया यार मुझे, इसमें बोलते हैं ना बहुत मज़े किए हम लोगों ने, खूब हंसी मजाक करते करते खेल रहे थे। तो यहाँ मैं इससे एमओ लेता हूँ, मेरे पास एमओ होती नहीं है। तो यहाँ भैया अब हमको ढूंढना रहता है बंदे, तो पहले मैं बोलता हूँ रुक जा मैं यहाँ कवर बना लेता हूँ। तो यहाँ कवर बना तो लेते हैं, तो यहाँ हम अपना किस्मत फिर आजमाने की कोशिश करते कि भैया निकालो नेट और चला दो, कहीं फट फुटा के मर जाए तो किल बढ़ जाएगी। लेकिन यार हमारी किस्मत दो केड़ी की है, छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो होते रहता है। तो मुझे ये बंदा ओपन में भागता हुआ दिखता है, तो इसको फट से मैं नॉक कर देता हूँ। तो वहाँ से इन लोगों का जोन ने एक्चुअली काट दिया था, तो इसके दूसरे बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ, बट इसका जो तीसरा बंदा होता है भैया वो हमको दिखता नहीं है। हालांकि गेम में नहीं दिखता है, मैं अभी चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो पूरा लेफ्ट से घूम के आ रहा है, वो हालांकि मुझे गेम में नहीं दिखा था। तो यहाँ हम लोगों को क्या समझ में आता है कि भाई यहाँ तीन मतलब दो हम लोग हैं और दो सामने वाले हैं, तो बचे मतलब हम लोग दो इधर और दो सामने, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। बट यार अब हमें क्या पता था यहाँ M24 वाला हमारा कर देगा स्कैम। अरे भैया इसने क्या ही मारा है भाई, बोले तो क्या ही मारा है यार, हम लोगों को बोलते ना लॉबी में पहुंचाने की सारी कसर इसने निकाल दी थी, लेकिन यार बच गए हम लोग इस कुकड़ू की वजह से। तो मैं यहाँ जैसे ही उठता हूँ मेरा भैया मेरा बंदा मार देता है उसको यार, चिकन डिनर हो जाता है। तो यहाँ तुम्हारे भाई का विन रो प्यारा सा चिकन डिनर। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि ये गेम प्ले कैसा था, और भाई आप लोग शेयर करना मत भूलना। और भाई मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये नया साल जो स्टार्ट हुआ है सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, और आई होप अच्छा जाए। तो आप लोग यार इन्जॉय करना, मज़े करना, लाइफ में और रखा ही क्या है भाई, मज़े करो।